जो लोग अपने वर्णोचित कार्य न करके दूसरे वर्ण का काम करते हैं। कहने का ये अर्थ है कि हमारे यहाँ चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों का अलग अलग कर्म वेद ने निर्धारित किया है। ब्राह्मण के लिए कि यज्ञ करे कराए, दान ले दान दे, अध्ययन करे और अध्ययन करवावे, पढ़े और पढ़ाएं। क्षत्रिय के लिए विधान ये किया गया कि आप राज्य करें, कर के रूप में प्रजा से धन लेकर के आप अपना जीवनोपार्जन करें एवं प्रजा का पालन करें। देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए आप कार्य करें। इस प्रकार से वर्णोचित जो कार्य है क्षत्रिय के लिए बताया गया। वैश्य के लिए बताया गया कि आप व्यापार करें और व्यापार के द्वारा चारों वर्णों की सेवा करें और अपना भरण पोषण इसी काम से करें। दास वर्ण यानी कि शूद्र वर्ण के लिए बताया गया कि आप ये जो द्विजाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन द्विजों की आप सेवा करें और सेवा करके इनके द्वारा प्राप्त धन से अपना जीवनोपार्जन करें, जीविकोपार्जन करें। इस प्रकार से चारों वर्णों को अलग अलग कार्य दिया गया। अब देखिए, जो लोग अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं, अपने जातिगत कार्य को नहीं करते हैं, उनका क्या होता है? ये प्रश्न महाभारत में अनुशासन पर्व में मैया पार्वती ने शंकर जी से पूछा था और शिव जी ने जो उत्तर दिया वही मैं आपको बता रहा हूं। कहा कि देवी, स्थितो ब्राह्मण धर्मेना ब्राह्मण्यमुपजीवति क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा ब्रह्मभूयं सगच्छति। फिर कहा, यस्तु विप्रत्वमुत्सृज्य क्षात्रम धर्मम निषेवते। यदि ब्राह्मण लोभवश, मोहवश अपने धर्म का पालन न करके, स्वधर्म का पालन न करके, बताया गया कि यज्ञ करें कराएं, दान ले दान दें, पढ़ें और पढ़ाएं और इसी से जीव को पार्जन करें, इसी से अपना और अपने कुटुंब का भरण पोषण करें, तो ब्राह्मण सोचे कि भाई पूजा पाठ में रखा ही क्या है, इसमें कितना कमा लूंगा, तो ये छोड़ करके ऐसा करता हूं कि मैं व्यापार कर लूं, उसमें बहुत धन आएगा। और लोभ मोह के कारण ब्राह्मण अपनी जातिगत कार्य को छोड़ करके यदि दूसरे वर्ण का कार्य करता है तो क्या होगा? यदि ब्राह्मण क्षत्रियोचित कार्य करता है, जो क्षत्रिय के लिए जो धर्म बताया गया है, यदि उस धर्म का पालन करता है, तो ब्राह्मण की जब मृत्यु होगी और इसने जो जीवन में किया है दंड और पुरस्कार जो भी स्वर्ग नरक में इन्हें दिया जाएगा, देने के बाद जब पुनः से उस ब्राह्मण का जन्म होगा, अगला जन्म होगा, तो उसने जीविकोपार्जन जिस जातिगत कार्य को करके किया है उसी जाति में उसका अगला जन्म होगा। यदि ब्राह्मण क्षत्रियोचित कार्य कर रहा था तो उसका अगला जन्म क्षत्रिय कुल में होगा। यदि ब्राह्मण लोभ मोह के वशीभूत होकर के और व्यापार कर रहा था, जो धर्म वैश्य के लिए बताया गया है, व्यापार कर रहा था, तो उसका अगला जन्म वैश्य कुल में होगा। यदि ब्राह्मण किसी कारण से शूद्रोचित कार्य कर रहा था जीविकोपार्जन के लिए, तो उसका अगला जन्म शूद्र कुल में ही होगा। ये नियम है और ये नियम मेरा नहीं, ये नियम शास्त्र का बताया हुआ है। वैश्य कर्मा च यो विप्रो लोभ मोह व्यपाश्रयः ब्राह्मण्यं दुर्लभं प्राप्य करोत्यल्पमति सदा। यदि किसी को मेरी इस बात पर संदेह हो तो आप महाभारत के अनुशासन पर्व के, दान धर्म पर्व के, आपको बताऊं कि 143वें अध्याय को देख लीजिएगा, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है, जो मैं बता रहा हूं एक एक शब्द आपको मिलेगा।
तो अब हम बात करेंगे क्षत्रिय की। यदि क्षत्रिय लोभ मोह के कारण किसी कारण से अपने कार्य को न करके और वैश्योचित कार्य करें कि भाई व्यापार में बहुत धन है चलो व्यापार कर लो, जब या किसी कारण से क्षत्रिय शूद्रोचित कार्य कर रहा है, उसका जब अगला जन्म होगा तो आपको बताऊं मृत्यु के बाद उसने जो भी यहाँ पाप पुण्य किया है उसका दंड और पुरस्कार स्वर्ग नरक के द्वारा दिया जाएगा, और जब अगला जन्म होगा तो उसका जन्म फिर यदि उसने वैश्य का काम किया है तो उसका जन्म वैश्य कुल में होगा, यदि उस क्षत्रिय ने शूद्रोचित कार्य किया है तो उसका अगला जन्म शूद्र वर्ण में होगा। अब हम बात करें वैश्य की। यदि वैश्य अपने कार्य को न करके, वैश्य का कार्य क्या है तो हमारे यहाँ वेद ने जो निर्धारित किया है, निर्धारण किया है कि वैश्य व्यापार करे और इसी के द्वारा अपने और अपने कुटुंब, अपना और अपने कुटुंब का भरण पोषण करे और चारों वर्णों की सेवा करे, इसी प्रकार से व्यापार के द्वारा, कृषि कार्य के द्वारा। तो यदि वैश्य अपने धर्म का त्याग करके शूद्रोचित कार्य कर रहा है तो उसे अगले जन्म में शूद्र वर्ण को ही दिया जाएगा, शूद्र वर्ण में ही उसे जन्म मिलेगा। तो इस प्रकार से जो लोग अपने स्वधर्म का पालन न करके, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाते हैं तो उसका इस प्रकार से पतन होता है। अब प्रश्न एक आएगा, यदि हम ऊपर के कार्य को करें तो, यदि हम क्षत्रिय हैं और हम पूजा पाठ करवाने लगे, यज्ञ करवाने लगे तो आपको नरक मिलेगा सीधा। अभी तो आप स्टेप बाय उतर रहे थे, अब सीधे ही आपको उठा करके नरक में फेंक दिया जाएगा। हम वैश्य हैं, यदि हम यज्ञ करने कराने लगे तो सीधा नरक मिलेगा। अब हम बात करेंगे शूद्रों की। तो चौथा वर्ण है, चौथा स्तंभ है शूद्र वर्ण। यदि शूद्र वर्ण के लोग यदि अपने कार्य को न करके, जो उन्हें कार्य वेद ने निर्धारित किया है कि आप ये द्विजातियों की सेवा करें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करें और उसी से अपना जीविकोपार्जन करें, उन्हीं की सेवा करके जो मिले उससे, यदि शूद्र इस प्रकार का कार्य न करके किसी अन्य कर्म को करता है तो क्या होगा, उसे सीधा नरक मिलेगा। अब एक बात और आती है कि यदि हम अपने बताए हुए स्वधर्म का पालन करके जीवन यापन करें, जीव को उपार्जन करते हुए और सतपथ पर चलें तो क्या होगा, यदि ब्राह्मण अपने ही कर्म को करता है तो अपने ही कर्म करने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, सदगति उसकी होती है, स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय यदि अपने ही कार्य को करेगा तो उसका अगला जन्म यदि सदाचार का पालन करते हुए और अपने ही स्वधर्म का पालन करता है, जो वेद ने बताया है कि आप राज्य कीजिए, कर के रूप में प्रजा से धन लेकर के अपना भरण पोषण कीजिए, कुटुंब का कीजिए और प्रजा का पालन कीजिए, आप रक्षा का कार्य कीजिए, यदि क्षत्रिय अपने ही कार्य को करता है तो क्या होगा, तो अगला जब उसका जन्म होगा तो उसका अगला जन्म ब्राह्मण कुल में होगा। यदि वैश्य इसी प्रकार से सदाचार का पालन करते हुए अपने धर्म का पालन करता है तो उसका अगला जन्म वैश्य में नहीं अब क्षत्रिय कुल में होगा। स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ेंगे। और वैश्य यदि अपने स्वधर्म का पालन करता है तो उसका अगला जन्म वैश्य कुल में होगा। तो इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप स्वधर्म का पालन करेंगे तो बढ़ेंगे, यदि आप किसी अन्य वर्ण का कार्य करेंगे तो आपका अगला जन्म उसी कुल में होगा। तो इसमें कोई संशय नहीं है।